हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएन स्टडी एपिसेंटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम लोग ने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो भी स्टूडेंट्स पिछले क्लास का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं उसको पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ बात करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो नियम दिए हैं, जिसमें पहला नियम का नाम क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला लॉ क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहता है समझिएगा, यहाँ पर ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास क्या है, एक कंडक्टर है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है। यहाँ पर हम कॉइल भी ले सकते हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, नॉर्थ पोल से हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इमिट होता है और साउथ पोल में इंटर करता है। तो यहाँ से हम लोग ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरह से दिखाया है। पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इसमें से किसी भी एक को स्टेशनरी रखते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, मोशन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम मैग्नेट को फिक्स रखते हैं और इस कंडक्टर को क्या करते हैं, इसके पास लाते हैं। तो क्या होता है देखिएगा, जब यहाँ पर है तो देखिएगा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बहुत कम इसको क्या करता है, टच करता है, बहुत कम टच करता है। जैसे जैसे हम इसको इसके करीब लाते जाएंगे क्या होगा, देखिए इसके करीब आता जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो क्या होता है, अगर यहाँ पर है तो देखिएगा बहुत कम मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें टच में, तो जैसे जैसे आगे लाते जाएंगे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसको क्या करेगा, ज़्यादा मात्रा में टच करेगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत कम हो रहा है, जैसे हम आगे ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, मात्रा बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंज हो रहा है, क्या होता है, जब इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के मात्रा में चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। यह फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है, लिखेंगे इट मे बी स्टेटेड एज व्हेन फ्लक्स लिंक विथ द क्वाइल या कंडक्टर क्वाइल एंड चेंजेस देन ईएमएफ इंड्यूस इन द क्वाइल। एक बार और समझिएगा कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब इस क्वाइल में जो लिंक हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी मात्रा में जब चेंज होगा तो इस क्वाइल में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ गए, अब हम जानते हैं इसका दूसरा नियम क्या कहता है। तो इसका सेकेंड लॉ कहता है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मे बी स्टेटेड एज द मैग्नीट्यूड of induced EMF
induced EMF in the coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux linkages. सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इसमें इस क्वाइल में जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है ये फ्लक्स का जो लिंक हो रहा है और चेंज हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। जो कंडक्टर में फ्लक्स लिंक कर रहा है और चेंज कर रहा है उसके रेट के क्या है, समानुपाती होता है, क्या, इंड्यूस ईएमएफ। इसको लिख सकते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, क्या है, चेंज कर रहा है फ्लक्स, तो क्या होगा, डी फाई, कितना से चेंज कर रहा है, डी फाई से, डी टी, यानी चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, इंड्यूस ईएमएफ का। सो समझ गए, यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा एन डी फाइव बाय डी टी, क्या, एन डी फाइव बाय डी टी, इसको लिख लीजिएगा। यहां पर ई क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ, एन क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, एन क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, और डी फाई है क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और डी टी है क्या, चेंज इन टाइम, कितना टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। तो यहाँ इक्वल्स क्या हो जाएगा, एन डी फाइव बाय डी टी। सो राइट डाउन, देखिए तो इसका डायरेक्शन, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, तो यहां से देखिएगा, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द क्वाइल इज रिटेन एज क्या लिखते हैं, ई इक्वल्स माइनस एन डी फाइव बाय डी टी, क्या लिखते हैं, इक्वल्स माइनस एन डी फाइव बाय डी टी। यहाँ पर निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, क्या कर रहा है, निगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्वाइल में इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, ये बताता है क्या, निगेटिव साइन। और उस इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन जो है वो हम लोग लेंज लॉ से फाइंड आउट करते हैं, किस लॉ से, लेंज लॉ से। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं लेंज लॉ क्या होता है। तो अब समझेंगे लेंज लॉ क्या होता है, पहले इसको नोट करते हैं फिर समझेंगे।
लेंज लॉ states that the induced current in a coil will set up magnetic flux to oppose the change in flux। ये कहता है क्या, समझिएगा यहां से, कि कहता है यदि किसी क्वाइल में करंट का इंड्यूस होता है तो यह इंड्यूस किसके कारण होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण होता है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इसमें क्या होता है, करंट का इंड्यूस होता है। तो कहता है कि ये इंड्यूस जो होता है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने का कारण, उसी को क्या करता है, ये अपोज करता है। ये क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है। यानी तो यहां से समझिएगा, अपोज करेगा, अपोज कब करेगा, जब नॉर्थ पोल यहाँ है और नॉर्थ पोल यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ जब नॉर्थ पोल हो जाएगा तो नॉर्थ पोल में हम लोग जानते हैं क्या होता है, रिपल्सन होता है। तब यह क्या करेगा, अपोज करेगा। तो लेंज लॉ कहता है जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इसमें क्या हुआ है, करेंट का इंड्यूस हुआ, तो वही इंड्यूस करेंट जो है ये चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करता है, अपोज करता है। तो अपोज कब करेगा, जब यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल का निर्माण हो जाएगा तो क्या करेगा, अपोज करने लगे। तो यहीं से कहता है जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ है उसी को क्या करता है, अपोज करता है। ये कहता है क्या, लेंज लॉ। तो यहां से एक चीज नोट पॉइंट में लिखिएगा कि लेंज लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी लेंज लॉ किसका समानुपाती होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के जो सिद्धांत है उसका समानुपाती होता है लेंज लॉ। सो राइट डाउन, अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो करंट का इंड्यूस होता है वह कितने तरह से होता है, यानी टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यह होता है दो तरह से, एक होता है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला होता है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा होता है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। क्या होता है, यह दो तरह से होता है इंड्यूस ईएमएफ। पहला होता है डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ और दूसरा होता है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। हम लोग देखते हैं पहला, डायनामिकली कहने का अर्थ है कि क्वाइल जो है, क्वाइल सिर्फ क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्या, क्वाइल सिर्फ रोटेट करेगा और मैग्नेट क्या है, मैग्नेट स्टेशनरी रहता है। डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ में क्या होता है, क्वाइल रोटेट करता है और मैग्नेट क्या होता है, स्टेशनरी रखते हैं इसको। यहां से इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स होता है बी एल वी साइन थीटा होता है। क्या होता है, बी एल वी साइन थीटा होता है, जहां पर बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और भी क्या है,
स्पीड ऑफ द कंडक्टर, यानी क्वाइल जो मूव करता है उसका स्पीड। और साइन थीटा क्या है? साइन ऑफ द एंगल बिटवीन क्या बी एंड वी, इसके बीच का क्या है साइन है। सो राइट डाउन अब दूसरा बात करते हैं स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ में होता है क्वाइल ही क्या करता है स्टेशनरी रहता है यानी वही स्थिर रहता है। और मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट ही क्या करता है? रोटेट करता है यानी मोशन में रहता है। यहाँ पर मैग्नेट ही क्या करेगा? मोशन करेगा। और कंडक्टर या क्वाइल करेगा क्या? रहेगा स्टेशनरी रहता है। यहाँ से स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स होता है माइनस एन डी फाई बाय डी टी। इसको नोट कर लीजिएगा, जहां पर एन क्या है नंबर ऑफ कंडक्टर, डी फाई क्या है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है चेंज इन टाइम। यहां तक हम लोगों को मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सिलेबस समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।